वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड अनदर डिस्कशन ऑफ एडजेक्टिव दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम एडजेक्टिव्स के एक और पार्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमेशा एडजेक्टिव्स की ही होती है, राइट? सिंस डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, तो इसमें केवल एडजेक्टिव की ही हम बात करेंगे जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट। तो बात कर लेते हैं डिग्रीज के, और डिग्री को हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन है पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर थ्री है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस करने वाले हैं इसमें, लेकिन हम स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ बेसिक रूल्स। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की ही हम बनाते हैं, तो हमने 10 तरह के एडजेक्टिव पढ़े, तो उसमें से कितने एडजेक्टिव्स को लेकर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बात करेंगे ये जानना ज़रूरी है। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो हमें किसी चीज के गुण बताते हैं और दूसरा हमें किसी चीज की मात्रा बताते हैं। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक है जिसमें हम दो एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और तीसरे स्टेप की हम बात करें तो डिग्री एडवर्ब की भी होती है, राइट? हम एडवर्ब का डिस्कशन भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री, और इसको सिंपल वे में समझते हुए आगे हम इसका डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो एंड गेट अहेड। ओके, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हम अपने पहले रूल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, राइट? लाइक रिया इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, रिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है, इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, ये विशेषता बता रही है किसकी, जो हम पढ़ चुके हैं, ये नाउन है गर्ल, तो ये विशेषता बता रही है, दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री। ही इज़ अ टॉल बॉय, टॉल बॉय, तो ये जो टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री है, ये हमें इस नाउन के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है। थर्ड एग्जांपल देखें, राहुल इज वाइज, राहुल होशियार है, तो ये जो वाइज है, वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये राहुल की। तो जो हमने ऑलरेडी एडजेक्टिव्स में पढ़ा हुआ है, तो रूल नंबर वन यही कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के क्वालिटी की बात करते हैं तो वो हम पॉजिटिव डिग्री में उसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल इंसानों की बात की, लाइक टेबल इज बिग, तो बिग क्या है, पॉजिटिव डिग्री है जो क्वालिफाई कर रहा है किसको, टेबल को। तो यहाँ पर हमने वस्तु की भी बात कर ली। तो एनीथिंग और एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु की जो विशेषता बताई, ये रूल नंबर में हमने पढ़ा, दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव डिग्री। रूल नंबर टू, कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, इसमें हम बात करते हैं किन्हीं दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं की जिनकी क्वालिटी है वो एक है, मतलब व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में जो एक गुण है, एक क्वालिटी है, वो दोनों की सिमिलर है। When two person and things have similar quality, इसका हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज एज,
उसके बाद में हमें लगा देना है एडजेक्टिव और एस। एडजेक्टिव जिसको हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में कंसीडर करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर होगा। इसके एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, नेहा उतनी ही लंबी है जितनी की रीना। तो नेहा इज एज टॉल एज रीना। ओके, तो यहाँ पर हमें दो नाउन दिखाई दे रहे हैं, एक तो नेहा और दूसरा रीना। तो मतलब रीना और नेहा की दोनों की एक क्वालिटी जो सेम है, दैट इज टॉल, दोनों ही लंबी हैं, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। वही बात हम डेफिनेशन में कर रहे थे, जब दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु जिनकी क्वालिटी हो वो सिमिलर हो। तो ये दो व्यक्ति हैं, एक तो रीना और नेहा, ये दोनों लड़कियां हैं, दे आर टू पर्संस। इन दोनों की एक ही क्वालिटी है, दैट इज टॉल, दैट इज़ आ पॉजिटिव डिग्री। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, राज इज एज ब्रेव एज अ लायन, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में दो नाउन दिए हुए हैं, एक तो राज और एक लायन। तो राज और लायन, इन दोनों की एक क्वालिटी जो कॉमन है वो क्या है, ब्रेव होना। तो राज एक शेर की तरह बहादुर है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो राज और लायन इन दोनों का एक कॉमन जो क्वालिटी हो गई वो कौन सी हो गई, ब्रेव होना। तो राज इज एज ब्रेव एज अ लायन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। ओके, तो यहाँ पर भी हमें दो व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। तो मदर और ये लड़की शी, इन दोनों की एक कॉमन क्वालिटी हो गई, क्या सिमिलर है, क्वालिटी कौन सी है, ब्यूटिफुल, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव डिग्री। तो ये हमने तीन एग्जांपल देखे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात की, तो ये था कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, मतलब जब दोनों की क्वालिटी सेम हो। ओके, तो ये तो था क्वालिटीज़ का कंपैरिजन, कि नहीं दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बीच में अगर एक कॉमन क्वालिटी होती है तो उसमें हम रूल नंबर 2 में बात कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। लेकिन वहीं अगर हम मना कर दें कि दोनों में कोई कॉमन क्वालिटी नहीं है, अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारा पूरा उलट हो जाएगा। मतलब इसमें हम नेगेटिव की बात कर लें तो एक वर्ड आ जाता है, दैट इज नॉट, ठीक है। अब इसमें इस डेफिनेशन को हमने रिवर्स कर दिया, पहले हम बात कर रहे थे व्हेन टू पर्संस एंड थिंग्स हैव सिमिलर क्वालिटी, जब दो व्यक्ति और वस्तुओं की क्वालिटी सिमिलर हो। लेकिन जब हमने इनइक्वालिटी की बात कर दी तो अब ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया कि जब किसी दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं की क्वालिटी सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग एग्जांपल है इसी में हमें नॉट को कनेक्ट कर देना है। तो नेहा इज नॉट एज टॉल एज रीना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गई। यहाँ पर इस एग्जांपल को हमने ऑपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेहा इज नॉट एज टॉल एज रीना। इसका मतलब क्या हुआ कि रीना जो है वो ज़्यादा लंबी है, किससे, नेहा से, मतलब नेहा रीना से कम लंबी है। तो ये इनकी जो क्वालिटी थी उनमें इनइक्वालिटी आ गई, तो हमें केवल इसमें नॉट लगा देना है, जब हम जो क्वालिटी है वो सेम नहीं है दो नाउन या फिर दो वस्तुओं के बीच में, तो हमें सिंपल यहाँ पर नॉट जोड़ देना है। तो ये नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राज इज नॉट एज ब्रेव एज अ लायन। इसका मतलब क्या हुआ कि लायन जितना बहादुर है उतना बहादुर राज नहीं है। तो मतलब राज की और लायन की क्वालिटी है, इन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो राज की बहादुरी अलग है और लायन की बहादुरी अलग है, लायन जो शेर है वो राज से ज़्यादा बहादुर है। यहाँ कर दिया इज के साथ में नॉट लगा दिया, शी इज़ नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, मतलब क्या हुआ कि उसकी मदर ज़्यादा ब्यूटिफुल है, किससे, शी से। तो अब क्या हुआ कि जो ब्यूटिफुल एक क्वालिटी थी, अब ये क्वालिटी यहाँ ज़्यादा हो गई और यहाँ इस क्वालिटी को कम दिखाया गया है। तो ये क्वालिटी को इनइक्वल तरीके से दिखाया गया है।
तो कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी में क्या होता है, जब दो चीजों की क्वालिटी सेम हो, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है कि एक की क्वालिटी ज्यादा हो जाए और दूसरे की क्वालिटी उससे कम रहे। करना क्या है हमें, केवल इसमें नॉट को ऐड कर देना है बस। तो अब हम आ गए हमारे थर्ड रूल के ऊपर, दैट इज वेरी फ्यू। यहाँ पर वेरी फ्यू का यूज हमें करना है। वेरी फ्यू के बाद में हमें यूज करना है प्लूरल नाउन, राइट, क्योंकि हम फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए वेरी फ्यू के बाद में हमें प्लूरल नाउन का यूज़ करना है। और उसके बाद में जो हमारा कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव डिग्री का, जिसमें एज एडजेक्टिव और एज उसके बाद में फिर हम नाउन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंस बहुत ही कम, बहुत ही कम। जब हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन बहुत ही कम होता है, उस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कम लड़के उतने होशियार हैं जितना कि राज। तो इसका एग्जांपल हम पहले लिख लेते हैं, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें प्लूरल नाउन लिखना है, स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज राज। ओके, तो ये हमारे पास में एक सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को हमने एनालाइज किया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू के बाद में हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है, आर एज इंटेलिजेंट एज राज, ये नाउन है। तो मतलब राज बहुत इंटेलिजेंट है और राज के जितने इंटेलिजेंट बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम स्टूडेंट्स उतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि राज। तो मतलब राज बाकी सभी स्टूडेंट की तुलना में क्या हुआ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ। तो इंटेलिजेंट हमारा यहाँ पर बता रहा है दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी जैसा, वेरी few boys are as good as Kamal, right? तो very few boys, बहुत ही कम लड़के हैं, very few boys are as good as Kamal, कमल जितना अच्छा है उसकी तुलना में बहुत ही कम लड़के ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। मतलब कमल बाकी सभी लड़कों से ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम आ जाते हैं इसके रूल नंबर 4 पर, दैट इज़ नो अदर। नो अदर इसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं और उस व्यक्ति को बाकी सबसे बेहतर दिखाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसमें, तो हम इसमें नो अदर का यूज़ करेंगे, नो अदर। उसके बाद में फिर हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, no other singular noun, as adjective as, और फिर इसके बाद में दूसरा noun। इसका example कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई भी businessman उतना अमीर नहीं है जितना कि मुकेश अंबानी। तो इसको बनाएंगे हम no other businessman, ठीक है, ये no other हो गया, बिजनेसमैन सिंगुलर नाउन हो गया, इसके बाद में हमारी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इज, और उसके बाद में ये पूरा पोर्शन रख देना है एज रिच, पॉजिटिव डिग्री है, एज रिच एज, और उसके बाद में मुकेश अंबानी, मुकेश, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, नो अदर बिजनेसमैन इज एज रिच एज मुकेश अंबानी, कोई भी बिजनेसमैन उतना अमीर नहीं है जितना कि मुकेश अंबानी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नो अदर एक्टर इज एज टैलेंटेड एज शाहरुख खान, और आप जो भी नाम रखना चाहें आपके फेवरेट एक्टर के अकॉर्डिंग तो आप रख सकते हैं।
तो नो अदर एक्टर इज़ एज टैलेंटेड एज आर के, तो मतलब जितना टैलेंटेड एस आर के हैं उतना कोई भी नहीं है। तो हम इसमें नो अदर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक के कंपैरिजन में कोई दूसरा वैसा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5 में, कंसील्ड कंपैरिजन। कंसील्ड कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन छुपा हुआ कंपैरिजन होता है। इसमें हम एग्जैक्टली जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम हम नहीं बताते, इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज नॉट ऑल दैट, और उसके बाद में फिर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। फाइन, नॉट ऑल दैट एंड देन हमें एडजेक्टिव का यूज़ इधर करना है। तो इस स्ट्रक्चर का हमें यूज़ करना है, जैसे कि हम एक महंगा फ़ोन लेकर आते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये फ़ोन बहुत महंगा है। जब आप बताते हैं कि आपने ये फ़ोन 20,000 रुपये का ख़रीदा और आपके दोस्तों के पास में एप्पल आईफोन है, तो उनका फ़ोन जाहिर सी बात है कि आपसे महंगा है, तो उनको आपका फ़ोन सस्ता ही लगेगा। तो जब आपने उनको बताया कि ये फ़ोन महंगा है, तो आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि नहीं उतना भी महंगा नहीं है, तो इट इज़ नॉट ऑल दैट। महंगे को हम बोलते हैं डियर, डियर का मतलब महंगा होता है और डियर का मतलब प्यारा भी होता है, सेम स्पेलिंग है। तो नॉट ऑल दैट डियर, ठीक है ना, उतना भी महंगा नहीं है, मतलब इससे महंगा कुछ और भी है लेकिन इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। वो उतना भी इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट, राइट। वो उतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उससे भी इंटेलिजेंट कोई और होगा। अब जो भी है उसका नाम यहाँ हमने नहीं लिया है, इसीलिए ये जो कंपैरिजन है वो एक हिडन कंपैरिजन है, एक छुपा हुआ कंपैरिजन है कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसका नाम हमारे सामने नहीं है। दैट्स हाउ वी कॉल इट कंसील्ड कंपैरिजन। तो अब हम बात करेंगे जेरेंट के बारे में। जेरेंट जिसको हम एक नाउन भी बोलते हैं, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं और वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, वो वर्ब जो आईएनजी के साथ में आ रहा है वो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, उसको हम जेरेंट बोलते हैं। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि राइटिंग उतनी ही ईजी है जितनी कि रीडिंग, इसको लिखते हैं राइटिंग इज एज ईजी एज रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ही जेरेंड हैं। रीडिंग का मतलब पढ़ना और राइटिंग का मतलब लिखना, तो ये दोनों जेरेंड हैं और नाउन की तरह से यूज़ किए जा रहे हैं। अगर जेरेंड आपको नहीं आते तो नो वरी अबाउट इट, ये टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब में, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ लें कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे नाउन बनाते हैं और उसका जो साउंड निकलता है वो ना निकलता है, ना, तो हम उसे जेरेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ब है रीड और वर्ब में आईएनजी आ गया है, तो रीडिंग इसका मतलब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, पढ़ रहा हूँ, वो नहीं है यहाँ पर इसका मतलब, क्योंकि जब ये रीडिंग है तो इसका हेल्पिंग ऑफ कहाँ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर रीडिंग एक वर्ब में आईएनजी लगकर एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है और उसे हम बोलते हैं जेरेंट, राइट। तो राइटिंग इज़ एज ईजी एज रीडिंग, राइटिंग उतनी ही आसान है जितनी की रीडिंग, इसी को हमने नेगेटिव कर लिया, तो राइटिंग इज नॉट एज ईजी एज रीडिंग, ठीक है। राइटिंग उतनी ईजी नहीं है, उतनी आसान नहीं है जितनी की रीडिंग है। यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे कि बोलना उतना ही आसान है जितना कि लिखना, तो स्पीकिंग इज एज ईजी एज राइटिंग, ठीक है। ईजी क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम बदल के डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि लिखना, तो स्पीकिंग इज एज डिफ़िकल्ट एज राइटिंग, तो ऐसे हम जेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के बारे में। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में बनाई जाती है, तो हम एडजेक्टिव वाला पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब
जैसे कि हम पढ़ते हैं फास्ट, स्लो, फाइन, हार्ड, और भी बहुत सारे एडवर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमें स्ट्रक्चर बना के रखना है एज, और एज के बाद में फिर रख देना है एडवर्ब, और फिर हमें एज का यूज़ करना है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब का यूज़ किस तरीके से करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। कि राम उतना ही तेज भागता है जितना कि मुकेश, तो राम रन्स एज फास्ट एज मुकेश। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं, मुकेश और राम, ये दो लड़के हैं, ये दो पर्सन हैं, पहला राम और दूसरा मुकेश, तो वो उतना ही तेज भागता है। राम रन्स एज फास्ट एज मुकेश। अब पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एज, दोनों एज के बीच में हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब मतलब पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब का यूज़ हमें बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे ही वॉक्स एज स्लो एज टर्टल, राइट, वो कछुए की तरह स्लो चलता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किस में है, ही में और टर्टल के बीच में। तो कंपेयर करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ किया, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री में कर रहे हैं। और इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, तो केवल हमें इनको नेगेटिव करके रख देना है, दैट्स इट। जैसे कि अगर हमें इनको नेगेटिव बनाना है, तो राम डज नॉट रन एज फास्ट एज मुकेश, यहाँ नेगेटिव करना है, तो ही डज नॉट वॉक एज स्लो एज टर्टल। तो ये था हमारा पॉजिटिव डिग्री का पोर्शन। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। ओके, तो अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें हम किन्हीं दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बीच में उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इसमें यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हमारी दो तरीके से बनाई जाती हैं। एक तो हम एडजेक्टिव में ER जोड़ के बनाते हैं, राइट, और दूसरा हम उसमें मोर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोर देन, ठीक है। तो नंबर वन हो गया हमारा ER का यूज़, और नंबर टू हो गया हमारा मोर देन का यूज़। तो हम कहाँ ER का यूज़ करेंगे, कहाँ हम मोर का यूज़ करेंगे, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा वर्ड सिंगल सिलेबिक है, सिंगल सिंगल सिलेबिक मतलब वर्ड को जब हम बीच से ब्रेक ना कर पाए, उस वर्ड को तोड़ ना पाए, वो वर्ड एक ही बार में बोलेगा, उसके हिस्से नहीं हो सकते, उसके हम पार्ट नहीं कर सकते, तो वो होता है सिंगल सिलेबिक वर्ड। जब हम किसी वर्ड के टुकड़े कर सकते हैं, तो वो होता है डबल सिलेबिक वर्ड, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट उस वर्ड के हो सकते हैं। तो वर्ड जब हमारा सिंगल सिलेबिक होता है, तो हम उस वर्ड में ER का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और अगर हमारा वर्ड मल्टी सिलेबिक होता है, वर्ड जब मल्टी सिलेबिक होता है, तो हम उसमें मोर देन का यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रिच, रिच को हम ब्रेक नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्रेक दिस वर्ड, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक ही बार में बोलेगा, इसीलिए हम इसके बाद में ER का यूज़ करते हैं। हाय, इस वर्ड को बीच से तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसमें ER लगाते हैं। टॉल, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ER लगाएंगे। लेकिन वहीं हम बात करें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी अलग कर सकते हैं और फुल को अलग कर सकते हैं, इसीलिए हम मोर ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ करते हैं। हैंडसम, ये डबल सिलेबिक वर्ड है, सम को अलग कर दिया, हैंड को अलग कर दिया, तो ये डबल सिलेबिक वर्ड है, इसी वजह से मोर हैंडसम, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जब हमारा शब्द
बीच में से टूट नहीं सकता, तो वो सिंगल सिलेबिक होता है और उसमें हम ER लगाकर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और जब हम शब्दों को बीच से ब्रेक कर सकते हैं तो वो मल्टी सिलेबिक होता है, उसके लिए हम मोर देन का यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। ओके, तो नंबर वन हम बात करेंगे किसी भी एक पर्सन या फिर थिंग उसकी क्वालिटी किसी दूसरे पर्सन और थिंग से ज़्यादा हो। जैसे नेहा इज टॉलर देन रीना, राइट? तो नेहा लंबी है, किससे लंबी है? रीना से, ठीक है? नेहा इज टॉलर देन रीना। सचिन विराट से बेटर है, सचिन इज बेटर। गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। बेटर देन विराट। शाहरुख सलमान से ज़्यादा हैंडसम है, शाहरुख इज। अब हैंडसम हमने वर्ड लगाया, ये डबल सिलेबिक है तो यहाँ पर हम ER नहीं लगा सकते, इसीलिए हम मोर लगा देंगे। शाहरुख इज मोर हैंडसम देन सलमान। तो ऐसे हमें इनको बना लेना है, जैसे कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। तो हम बात करते हैं अब इसके दूसरे रूल के बारे में, दैट इज कंपैरिजन फ्रॉम टू। जब हम किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु को किन्हीं दो लोगों से या फिर दो वस्तुओं से कंपेयर करते हैं, तो उस सेंस में हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है, पहले हमें दा का यूज़ करना है, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे ऑफ द टू, क्योंकि जिन दो से कंपैरिजन हो रहा है दैट इज ऑफ द टू। उसके बाद में फिर हमें प्लूरल नाउन का यूज़ करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उन दोनों लड़कियों से बेटर है, मतलब एक लड़की है वो दूसरी दो लड़कियों से ज़्यादा बेटर है। तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे? शी इज, अब इसको रख देना है द कंपेरेटिव डिग्री, शी इज द बेटर, फिर लगा देना ऑफ द टू, ऑफ द टू गर्ल्स, प्लूरल नाउन है गर्ल्स, राइट? दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, वो उन दोनों लड़कों से मोटा है, तो ही इज द, मोटे को बोलते हैं फैट, कंपैरेटिव डिग्री है फैटर और सुपरलेटिव है फैटेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री हमें लगाना है फैटर ऑफ द टू बॉयज। हमें याद रखना है कि हम किसी एक का कंपैरिजन जब दो से करते हैं तो हमें ऑफ द टू का यूज़ करना होता है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, जो हमेशा कंपैरिजन होता है वो सिमिलर में कंपैरिजन होता है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये रूल नंबर वन से है इसी का, कंपैरेटिव डिग्री का रूल नंबर वन जो हमने पीछे डिस्कस किया है। जैसे एप्पल ऑफ शिमला आर बेटर देन कश्मीर, तो इस एग्जाम्पल को देखने पर हम समझ सकते हैं एप्पल्स ऑफ शिमला, मतलब शिमला के जो सेब हैं वो कश्मीर से बेटर हैं। कश्मीर से बेटर है, कश्मीर तो एक प्लेस का नाम हो गया, जबकि हम यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सेब से कंपैरिजन करना है। तो मतलब कंपैरिजन जो होता है वो सिमिलर में किया जाता है, ठीक है? तो शिमला के एप्पल का कंपैरिजन कश्मीर के एप्पल से हो सकता है, शिमला के एप्पल का कंपैरिजन कश्मीर से नहीं हो सकता। तो एप्पल्स ऑफ शिमला आर बेटर देन कश्मीर, ये गलत हो गया। तो इसी को अगर हमें सही लिखना हो, एप्पल्स ऑफ शिमला आर बेटर देन दैट ऑफ कश्मीर, दैट ऑफ कश्मीर, तो ऐसे हमें इसको बना देना है, ठीक है? जब हम किन्हीं दो अनइक्वल नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हमें दैट ऑफ का यूज़ करना है।
इस एग्जांपल में जैसे हमने शिमला के एप्पल का कंपैरिजन कश्मीर से किया, वो नहीं हो सकता था। अगर वही करना है इसका सेंस बदलने के लिए हमें देन के बाद में दैट ऑफ का यूज़ करना है, फिर हम इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज हमें जो कंपैरिजन करना है वो सिमिलर में ही करना है। ओके, तो अब अगर हम नंबर का कंपैरिजन करें, तो नंबर का कंपैरिजन करने के लिए हम मोर का यूज़ करेंगे। मोर के बाद में फिर हमें नाउन का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर पेंस की तुलना में पेंसिल्स ज़्यादा हैं। देर आर मोर पेंसिल्स, मोर पेंसिल्स देन पेंस। ऐसे हमें इसको बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो देर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, राइट। तो अगर हम नंबर में कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करके फिर नाउन लगा देंगे मोर के जस्ट बाद में, फिर हमको देन का यूज़ वहाँ पर करना है, फिर हमें दूसरा नाउन लगा देना है। वहीं अगर हम यहाँ पर फ्यू का यूज़ कर लें, तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्यूअर, ठीक है। इन्हीं एग्जांपल में अगर हम बना लें इनको कि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत थोड़ी सी हैं लड़कों की तुलना में, तो देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज। तो कॉन्सेप्ट वही है, केवल वर्ड्स बदल रहे हैं हमारे। लेस का यूज़ भी होता है, लेस और लेसर दोनों का यूज़ हम करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। देयर आर लेसर गर्ल्स देन बॉयज। ओके, लेसर का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। वहीं अगर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे तो हम लेस का यूज़ करेंगे। तो देयर इज लेस मिल्क देन वाटर। यहाँ पर दूध कम है पानी की तुलना में, पानी ज़्यादा है दूध की तुलना में। रिवर्स सेंस इसका ये है। कई बार हम मोस्ट का यूज़ भी इसमें करते हैं, जैसे मोस्ट अदर के बाद में हम प्लूरल नाउन का भी यूज़ इसमें करते हैं। कैसे? अमेरिका बाकी दूसरे देशों के कंपेयर में ज़्यादा अमीर है, तो अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राज बाकी दूसरे लड़कों की तुलना में ज़्यादा होशियार है। राज इज स्मार्टर देन मोस्ट अदर बॉयज, राइट। तो अब हम बात करते हैं लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, इनमें हम देन का यूज़ नहीं करते। देन की जगह पर हमें इनके साथ में टू का यूज़ करना होता है। वर्ड होता है प्रेफर। इन लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ में हमें टू का यूज़ करना होता है, ना कि देन का, राइट। एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कि मैं आपसे सीनियर हूँ। आई एम सीनियर टू यू। यहाँ पर देन यू नहीं होगा, सीनियर टू यू। ओके, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय की तुलना में, तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ऐसे इसको बनाना है। वो मुझसे जूनियर है, तो ही इज जूनियर टू मी। लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ में हमको इस तरीके से बात करनी होती है। यहाँ पर हमें देन की जगह टू का यूज़ करना होता है। तो ये था कंपैरेटिव डिग्री, और अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में।
तो अब हम आ चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री पर, विच इज़ अवर लास्ट पोर्शन ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज़ करना होता है, द के बाद में हमें सुपरलेटिव डिग्री से बात करनी होती है। सिंपल इसके एग्जांपल देखें, जैसे कि मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर। इसमें हम बात करते हैं कि किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु की जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, बाकी जितने भी हैं उन सभी में बेस्ट है। जब हम कंपेयर करते हैं तो किसी एक व्यक्ति का गुण, उसकी क्वालिटी बाकी सारी चीज़ों में सबसे टॉप होती है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुकेश अंबानी इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर है, तो मुकेश इज द रिचेस्ट। रिच रिचर और रिचेस्ट होता है इसका सुपरलेटिव डिग्री, पर्सन इन इंडिया। ओके, बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में बेस्ट एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री था, वैसे ही द बेस्ट भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, राइट। तो अब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस में कभी भी डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा, राइट। डबल सुपरलेटिव डिग्री विल नॉट बी यूज्ड इन वन सेंटेंस। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन, राइट। तो यहाँ पर रिचेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री हो गया और मोस्ट भी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम नहीं करते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो दैट इज़ वन ऑफ द। वन ऑफ द के बाद में नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, राइट। थ्री इडियट्स बाकी सारी मूवियों में सबसे अच्छी मूवी है। थ्री इडियट्स इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। प्लूरल नाउन आएगा वन ऑफ द बेस्ट के बाद में, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, और यहाँ पर ये जो द बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड, राइट। अरिजीत सिंह सभी सिंगर्स में से एक अच्छा सिंगर है। अरिजीत इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, ऐसे हमें इसका यूज़ करना है। अरिजीत इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, तो वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री, और सिंगर्स प्लूरल नाउन है हमारा। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, विच इज़ हम बात करेंगे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के साथ में करते हैं, लेकिन हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ द के साथ में करते हैं, हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हो, राइट। स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज अगर होता है तो हम उसमें द का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी हम आर्टिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को टच कर चुके हैं और एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे
आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न द मोर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, इन दोनों के पहले द का यूज़ हो रहा है। और हाँ, यहाँ पर देन का यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। दोनों जगह हमें मोर का और लेस का भी यूज़ हम कर सकते हैं। अगर आप कम स्टडी करोगे तो कम सीखोगे, द लेसर यू स्टडी द लेसर यू लर्न द लेसर यू लर्न। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री। आप जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च करोगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, द मोर यू अर्न द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड द मोर यू स्पेंड। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दा का यूज़ कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक्सप्लेनेशन। तो हमने डिटरमाइनर कंप्लीट किया, जिसमें हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ा। फर्स्ट इज आर्टिकल्स, जिसमें हमने ए एन दा के बारे में डिस्कशन किया, और दूसरा था एडजेक्टिव्स, जिसमें हमने 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात की, और उसका दूसरा पोर्शन डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसको डिस्कस किया। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की क्वालिटी बताते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम उन क्वालिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक ऐसी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि सभी में अच्छा होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमने स्टडी किया। तो ये था हमारा पूरा डिटरमाइनर्स। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। इसके साथ में एक पीडीएफ एक्सरसाइज अटैच्ड है, तो आप वहाँ पर जाकर इन एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट, विल बी मीटिंग सून, बाय बाय।